तो दोस्तों मैं आ गया हूँ YSL सीजन 7 से जुड़े ट्रांसफर न्यूज़ को लेकर, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों आप सभी से कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है उर्को वेरा को लेकर। मैंने बहुत दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि उर्को वेरा के ऊपर इंटरेस्टेड है हैदराबाद FC टीम मैनेजमेंट, लेकिन उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि ये एक बहुत कमज़ोर र्यूमर है। लेकिन दोस्तों अभी उर्को वेरा को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है दोस्तों कि FC गोवा अपनी टीम में उर्को वेरा को एज अ स्ट्राइकर साइन करवाने वाली है। और दोस्तों ये भी पता चल रहा है कि FC गोवा ने उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर साइन करवा चुके हैं ISL सीजन 7 के लिए। तो दोस्तों अभी तक FC गोवा टीम मैनेजमेंट ने फेरान कोरोमिनास को रिटेन नहीं किया है, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है दोस्तों फेरान कोरोमिनास अगले सीजन नहीं खेलेंगे अगर उर्को वेरा आते हैं तो। और दोस्तों अगर हम बात करें उर्को वेरा के बारे में तो उर्को वेरा स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनका उम्र है दोस्तों 33 इयर्स ओल्ड। अगर इनका ओवरऑल रिकॉर्ड के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कुल 264 मैचेस खेले हैं जिनमें से 106 गोल दागे। मतलब दोस्तों इनको गोल दागना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसके साथ साथ इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है जो FC गोवा के काम आ सकती है अगले सीजन में। और दोस्तों FC गोवा चैंपियंस लीग भी खेलने वाली है तो उसमें भी काम आ सकती है। और हम बात करें दोस्तों फेरान कोरोमिनास के बारे में तो वो FC गोवा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो सभी फैंस यही सोच रहे थे कि ISL सीजन 7 में भी वो FC गोवा में रिटेन किए जाएंगे FC गोवा टीम मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चांस बहुत ज़्यादा कम है कि ISL सीजन 7 में फेरान कोरोमिनास रिटेन किए जाए FC गोवा के टीम में, क्योंकि दोस्तों उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 37 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं फेरान कोरोमिनास, जिसके कारण ही शायद मुझे लगता है कि फेरान कोरोमिनास FC गोवा के जर्सी में नहीं दिखेंगे ISL सीजन 7 में। और दोस्तों यही कारण है कि उर्को वेरा को अपने टीम में साइन करने के लिए FC गोवा टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि उर्को वेरा FC गोवा के जर्सी में आपको दिखेंगे ISL सीजन 7 में और AFC चैंपियंस लीग में। और दोस्तों जुआन फेरांडो जो अभी FC गोवा के कोच है और उर्को वेरा उनके भी फेवरेट प्लेयर है और उनके ही कहने पर उर्को वेरा FC गोवा में साइन कर रहे हैं। तो आगे कुछ भी और अपडेट आता है दोस्तों उर्को वेरा को लेकर तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है हैदराबाद FC से जुड़े। तो हैदराबाद FC ने एडम ली फोंद्री के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। अगर हम बात करें दोस्तों एडम ली फोंद्री के बारे में तो इनका उम्र है दोस्तों 33 साल और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इनका मेन पोजिशन है स्ट्राइकर और ये बेहतरीन खिलाड़ी है। और दोस्तों एडम ली फोंद्री का करंट क्लब है सिडनी FC और एडम ली फोंद्री के कॉन्ट्रैक्ट 2021 तक का है सिडनी FC के साथ। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों अगर एडम ली फोंद्री को हैदराबाद FC टीम मैनेजमेंट अपने टीम में साइन करवाती है ISL सीजन 7 के लिए तो इनको अच्छे खासे बड़े रकम का ट्रांसफर फी दे के अपने टीम में लेना पड़ेगा। और दोस्तों एडम ली फोंद्री के मार्केट वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो लगभग 6.5 करोड़ का मार्केट वैल्यू है इनका। और दोस्तों हैदराबाद FC टीम मैनेजमेंट की ओर से जो अभी अपडेट निकल के आ रहा है कि वो किसी भी कीमत पे एडम ली फोंद्री को अपनी टीम में साइन करवाना चाहती है, क्योंकि एल्बर्ट रोका के फेवरेट और चुने हुए प्लेयर है एडम ली फोंद्री। तो इसी कारण दोस्तों हैदराबाद FC टीम मैनेजमेंट इनको ट्रांसफर फी दे के भी ले सकती है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों अभी एल्बर्ट रोका हैदराबाद FC के कोच है और वही टीम बना रहे हैं हैदराबाद FC का, तो उन्हीं का चॉइस है दोस्तों एडम ली फोंद्री। और दोस्तों सोर्स हमें बता रहा है कि एडम ली फोंद्री के साथ हैदराबाद FC का बातचीत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अब देखना यह है दोस्तों कि आगे क्या अपडेट निकल के आता है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक सिर्फ र्यूमर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है जो आगे जाके कन्फर्म हो सकता है, और जैसे इसके बारे में कुछ कन्फर्म अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।